हाँ तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अ ट्रिप टू भोपाल का पार्ट थ्री। आप लोगों ने देखा पिछले पार्ट में बच्चों ने कुछ पजल पूछे, उनके आंसर देखे हमने। अब बच्चे सभी लोग एक आइसलैंड के पास पहुंच गए हैं। वहाँ पर एक तालाब है और उस तालाब में उन्हें बोटिंग करनी है, ठीक है। तो उस बोटिंग करने के लिए वे लोग सभी लोग आपस में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर डिफरेंट बोट्स दिए हुए हैं और डिफरेंट बोट्स की टिकट प्राइस दी हुई है और उसका ट्रिप टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सभी बच्चे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग बोट ले रहे हैं कि किसी में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी में कम समय लगेगा, कोई बोट ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, वगैरह वगैरह। ये उनकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को भी मैंने लिख लिया है, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बोट दिए हुए हैं उसका नेम ऑफ द बोट, टिकट प्राइस और ट्रिप टाइम दिया हुआ है। एक डबल डेकर बोट है, 30 रुपीज़ उसकी प्राइस है 1 पर्सन की और 45 मिनट का ट्रैवलिंग टाइम दिया हुआ है। पैडल बोट 15 रुपीज़ टिकट प्राइस, 30 मिनट का ट्रिप टाइम है। मोटर बोट 25 रुपीज़, 20 मिनट का ट्रिप टाइम। बोट विथ ओर्स 15 रुपीज़ और 45 मिनट तक आप उसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग बोट ले रहे हैं। तो वो क्या क्या है उसके बारे में हम देखते हैं उनके क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं, इंद्रा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टुक द ओर बोट, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, ठीक है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये है, इंद्रा और भानु कौन सा पहले मोटर बोट ले रहे हैं। मोटर बोट का देखिए प्राइस कितना है, 25 रुपीज़, ठीक है। और फिर उसके बाद वे ले रहे हैं ओर बोट, बोट विथ ओर्स इसका प्राइस है 15 रुपीज़। तो कितना पैसा उनको पे करना पड़ेगा, सिंपल है। यहाँ पर मोटर बोट, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कितने पर्सन है, यहाँ 2 पर्सन, इंद्र एंड भानु, ठीक है। तो सबसे पहले मोटर बोट का प्राइस कितना है, मोटर बोट ये है 25 रुपीज़ में और 2 पर्सन ट्रैवल करेंगे तो 25 × 2 50 रुपीज़। फिर उसके बाद बोट विथ ओर्स, ओर बोट, इस ओर बोट का प्राइस कितना है, 15 रुपीज़ है। आप ये देखिए 15 रुपीज़ है तो 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 रुपीज़। तो टोटल उनको कितना पे करना पड़ेगा, 50 + 30 मतलब 80 रुपीज़। तो हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स, तो दे पेड 80 रुपीज़ फॉर बोथ द बोट्स, दिस इज द आंसर। और नाउ द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स। अब देखिए दो लोग एक बोट में जा रहे हैं तो टाइम डबल नहीं होगा, टाइम उतना ही रहेगा, है ना। और ये मोटर बोट का टाइम कितना है, 20 मिनट, मोटर बोट में उनको मिलेगा 20 मिनट, ये मिला 20 मिनट, और ओर बोट में मिलेगा उनको कितना मिलेगा, 45 मिनट। तो इन दोनों टाइम को आप टोटल कीजिए कितना आ गया, 65 मिनट। अब 65 मिनट को आवर में और मिनट में कन्वर्ट कीजिए, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 1 आवर एंड 5 मिनट, है ना, 5 मिनट बच रहा है। तो 1 आवर एंड 5 मिनट उनको ट्रैवल करने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दे पेड 450 रुपीज़ इन टोटल, हाउ मैनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप। अब देखो डबल डेकर ट्रिप का प्राइस देखते हैं हम, 30 रुपीज़ और वो 45 मिनट का ट्रैवलिंग कराएगा, ठीक है। तो 45 मिनट का ट्रैवलिंग से तो हमको मतलब नहीं है, हमको प्राइस से मतलब है। टोटल जितने बच्चे गए उन लोगों ने कितना प्राइस दिया, 450 रुपीज़। तो नंबर ऑफ कितने चिल्ड्रन उस डबल डेकर ट्रिप में गए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल्स टू टोटल फेयर अपॉन फेयर फॉर वन चाइल्ड, ठीक
ठीक है, या वन पर्सन जो भी होगा। अब टोटल फेयर उन लोगों ने कितना दिया, 450 रुपीज़, और वन पर्सन का फेयर कितना है रुपीज़, यहाँ पर आप देखिए डबल डेकर का ₹30, तो ₹30। अब इसको 450 को 30 से हमको डिवाइड करना, डिवाइड करने के लिए आप पहले ये ज़ीरो काट दीजिए, अब 45 को 3 से डिवाइड कर लीजिए या काट लीजिए, काटना भी बहुत आसान है। 3 1 3 यहाँ पर आ गया, 3 1 3 4 में से 3 गया 1 बचा, 1 को आपने 5 के साथ लिखा तो ये 15 हो गया, 3 5 15, तो ये आंसर आ गया 15 पर्सन। ठीक है, ये रुपीज़ भी कट गया, तो 15 चिल्ड्रन वहाँ पर ट्रिप में गए थे, ये आंसर है इसका। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, तो आंसर इज 15 चिल्ड्रन वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, दिस इज द आंसर। चाहे तो आप 45 को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइड करना भी आप लोग को आता है तो इस ये आंसर, या फिर काट भी सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, विच बोट मेक्स 2 trips in 1 hour, 1 hour में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब देखिए 2 trip में आप यहाँ पर देख रहे हैं पैडल बोट है, 30 मिनट का ट्रिप कर रहा है एक ट्रिप के लिए, तो 2 trip में वो 30 + 30 कितना हो जाएगा, 1 hour हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पैडल बोट। यहाँ पर 1 hour में द पैडल बोट, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, पैडल बोट मेक्स 2 trips in 1 hour, 30 मिनट प्लस 30 मिनट इक्वल्स टू कितना आ गया, 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 hour, तो आंसर इज पैडल बोट मेक्स 2 trips in 1 hour। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कम्प्लीट अ ट्रिप, हाफ आवर में कितना मिनट होंगे, हाफ आवर मतलब होता है आपका 30 मिनट। ठीक है, अब 30 मिनट से कम समय में कौन सा बोट है जो कि आपको एक ट्रिप कम्प्लीट करा देगा, 30 मिनट से कम में ये 45 मिनट, मोर देन हाफ एन आवर दिस इज जस्ट हाफ एन आवर, 20 मिनट यानी कि लेस देन हाफ एन आवर, तो आंसर इज मोटर बोट। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, मोटर बोट, और आपका पूरा आंसर क्या होगा, मोटर बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लिस्ट मनी, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम भी दे रहा है और सबसे कम पैसा भी ले रहा है, कौन सा बोट है, आप देखिए सबसे पहले तो आप देखिए सबसे ज़्यादा टाइम वाले कौन से बोट है, ये 45 मिनट, ये भी 45 मिनट, ये कौन है, अब इसमें आप देखिए प्राइस देखिए इनका, इसका प्राइस है 30 रुपीज़ और इसका प्राइस है 15 रुपीज़, तो सबसे ज़्यादा ट्रिप टाइम और सबसे कम पैसा किस में आएगा, 45 मिनट, ₹15, बोट विथ ओस, तो आंसर इज Boat with oars. ठीक है, boat with oars gives them the most time taking the list money. ये आंसर हो गया। And the next question, Javed went twice for boating. दो बार वो boating के लिए जा रहा है। He paid a total of ₹40 and boated for 50 minutes. उसने 40 रुपीज़ पे किया और 50 मिनट्स तक ट्रैवल किया, तो विच टू बोट्स डिड ही टेक, अब आप बताइए कि कौन से दो बोट उसने लिए होंगे, 40 रुपीज़ लिए दिया और 50 मिनट तक ट्रैवल किया, 40 रुपीज़ देखिए दो जगह हो सकता है, 15 + 25 = 40 और 25 + 15 = 40, तो या तो उसने पैडल बोट और मोटर बोट लिया होगा या फिर मोटर बोट और बोट विथ ओर्स लिया होगा, लेकिन अब टाइम भी देखना, 50 मिनट किस में लग रहा है, 30 + 20 ये हो गया 50 मिनट, मतलब इन दोनों को लेगा, यहाँ पर आप देखिए पैडल बोट, एक तो वो पैडल बोट ले रहा है पैडल बोट और दूसरा ले रहा है मोटर बोट, अब इसका सीधा सीधा जो दिया हुआ है आपको 15 रुपीज़ और 25 रुपीज़,
ये हो गया, और टाइम भी आप जैसे दिया वैसे ही लिख लीजिए, 30 मिनट एंड 20 मिनट्स, है ना। तो इन दोनों को टोटल किया, ये कितना आ गया, ये 40 रुपीज़ आ गया, और 30 प्लस 20 ये कितना मिनट आ गया, 50 मिनट आ गया। तो जो आपसे पूछा गया वो शर्त पूरी हो रही है, 50 मिनट का टाइम लग रहा है और 40 रुपीज़ वो पे कर रहा है। तो जावेद ने कौन कौन सी दो बोट लिया, जावेद टुक पैडल बोट एंड मोटर बोट, दिस इज द आंसर। ओके, तो ये आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब फिर लास्ट में आपको ये सारा, उन लोगों ने एंजॉय किया, बोटिंग किया, 4 बजे तक करीब बोटिंग किया उन लोगों ने, बच्चों ने, और उसके बाद अब उनको अपने ट्रिप से वापस आना है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, चिल्ड्रन एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock, इट इज़ टाइम टू रिटर्न, नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 आवर्स। अब वो वापसी में कहीं नहीं रुकेंगे, जैसे आते वक्त वो लोग होशंगाबाद से उन लोग चले थे, तो आते वक्त उन लोग भीमबेटका में रुके, ये यहाँ पर डीजल भरवाने के लिए रुके, तो लेकिन वापसी में घर जाते वक्त वे कहीं नहीं रुकेंगे। तो 2 आवर की जर्नी है, 4 o'clock को वो लोग निकलना शुरू किए, तो होशंगाबाद कितने o'clock को पहुँचेंगे, 4 o'clock प्लस 2 o'clock कितना हो जाएगा, 6 o'clock, 6 o'clock को वो वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का करीब 3/4 से ज़्यादा पार्ट कंप्लीट हो गया। थैंक यू।